पहले से संगठन सिवान में पूरे बिहार मैक्सिमम जिलों में है और 25 जिलों का भी कार्य संगठन का घोषणा किया जा रहा है। उसी क्रम में एक साल पूरा होने के बाद सिवान जन स्वराज के लोग प्रशांत किशोर जी जो आए प्रभारी लोग हमारे सिवान जिला के संगठन के लोग उन्हें हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः हमको अध्यक्ष राजीव रे पांडे जी को संगठन महासचिव कृष्णकांत जी को उप प्रवक्ता इन्होंने सबके सहमति से बनाया गया। 501 आदमी की सदस्यों की घोषणा होगी लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण है सिवान में जन स्वराज के जिला कार्यालय में रविवार को सिवान के जिला कार्यवाहक समिति की घोषणा की गई। यह घोषणा जन स्वराजी साथियों से खसाखस भरे हॉल में 4 सदस्यीय कोर कमेटी की टीम ने की। इनमें अब्बास शेख, काशी बैठा, एके द्विवेदी, कुसुम देवी शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण कुमार सिंह ने किया। एके द्विवेदी ने कहा कि जन स्वराज बिहार के बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन की संकल्प लेकर उतरी है। प्रशांत किशोर के पास इसे लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज घोषित समिति स्थायी चुनाव होने तक काम करेगी। कार्यवाहक समिति के जिलाध्यक्ष इंतखाब अहमद को बनाया गया है। 7 सदस्यीय संरक्षक समिति में रामेश्वर सिंह, बादशाह सिंह, राम होशियार सिंह, प्रोफेसर उबेदुल्लाह अंसारी, लखी बाबू, डॉक्टर आर्यन शुक्ला, नूरुल होदा को रखा गया है। जिलाध्यक्ष के साथ काम करने के लिए 15 उपाध्यक्ष और 15 जिला सचिवों के नाम की घोषणा की गई है। वहीं संगठन महासचिव राजीव रंजन पांडे, मुख्य जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार सिंह, जिला कार्यालय प्रभारी प्रशांत कुमार, महिला जिलाध्यक्ष पिंकी देवी, जिला युवा अध्यक्ष इम्तियाज अहमद और जिला किसान अध्यक्ष बबन तिवारी को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अनुमंडल और 19 प्रखंड के अध्यक्ष व सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है। वहीं जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाने के लिए 5 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा भी की गई है। नमस्कार, मैं अजय कुमार द्विवेदी। आज सौभाग्य मिला है मुझे सिवान जिला के कार्यवाहक समिति के पदाधिकारी और सदस्यों का नाम घोषणा करने का। तो मैं विधिवत जब उनके नाम की का घोषणा इस प्रकार कर रहा हूँ जी। लाउडली 501 आदमी की सदस्यों की घोषणा होगी लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण हैं हमारे इंतखाब अहमद साहब जो पुनः जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, श्री राजीव रंजन पांडे जी पुनः संगठन महासचिव के रूप में चयनित हुए हैं, श्री बबन तिवारी जी किसान जिला अध्यक्ष बनेंगे, कृष्ण कुमार सिंह पुनः मुख्य प्रवक्ता होंगे जन स्वराज के, प्रशांत कुमार जी जिला कार्यालय प्रभारी होंगे, पिंकी देवी जी महिला की अध्यक्ष होंगी, इम्तियाज अहमद साहब जुआ जिला अध्यक्ष होंगे, सुशील उपाध्याय जी महाराजगंज मंडल के अध्यक्ष होंगे, नरसिंह चौहान जी सिवान अनुमंडल के अध्यक्ष होंगे और प्रदीप कुमार जी सिवान अनुमंडल 2 के अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार ये मोटा मोटी मुख्य नामे है। इसके अतिरिक्त और भी जो पदधारक होंगे, चूँकि उनकी सूची बहुत लंबी है, अगर कहें तो मैं सबको पढ़कर सुनाऊंगा अथवा जो बाकी नामों की सूचना होगी हम लोग अपने ओर से प्राधिकृत करते हैं। हमारे महासचिव, संगठन महासचिव और जो अध्यक्ष बनेंगे वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उनसे बात करके समझा सकते हैं। देखिए, जैसा कि सर ने बताया अभी कि प्रशांत जी 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा बिहार में स्टार्ट किया उन्होंने, सिवान उन्होंने पदयात्रा किया। करने के बाद उस कार्यवाहक समिति बनी सिवान की 1 साल पहले, तो निश्चित तौर पर उस वक्त अध्यक्ष, संगठन महासचिव, सारे पदाधिकारी बने थे। 1 साल के बाद ये निर्णय हुआ कि पूरे बिहार के जो भी संगठन है 1 साल में उसको बदला जाएगा। आज 1 साल पूरा, मतलब 1 साल पूरा हो चुका है हम लोगों का। तो नया कार्य समिति जो बनी है यहाँ की, उसकी नया घोषणा करने के लिए सर हमारे पटना से, हमारे अब्बास सर, एक देवी सर भाई हमारे जो आए हैं पटना से घोषणा करने के लिए, इसी क्रम में आज नया सिवान जिले के संगठन की घोषणा किया गया। चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा, फिर नई कमेटी बनाना, ये क्या दर्शाता है? या संगठन रहेगा या फिर पार्टी में इसको विलय किया जाएगा? नहीं, पार्टी तो 2 तारीख को बनेगी ऑफिशियल, और हमारा काम जो संगठन तो पहले से चल रहा है। यहाँ पर हमारा पहले से संगठन सिवान में पूरे बिहार मैक्सिमम जिलों में है और 25 जिलों का भी कार्य संगठन का घोषणा किया जा रहा है। उसी क्रम में 1 साल पूरा होने के बाद सिवान जन स्वराज के लोग, प्रशांत किशोर जी जो आए प्रभारी लोग हमारे सिवान जिला के संगठन के लोग उन्हें हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः हमको अध्यक्ष राजीव रे पांडे जी को
संगठन महासचिव कृष्णकांत जी को उप प्रवक्ता, इन्होंने सबके सहमति से बनाया गया। नहीं नहीं, वो तो प्रशांत जी शुरू से बोल रहे हैं कि 243 42 नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जब सुधारी लोग लड़ाएंगे। पार्टी पहले से कई बड़ी पार्टियां हैं, जाति समीकरण को कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, ये कोई माने नहीं रखता। आज आप देख लीजिए, देश की आजादी की जब लड़ाई हुई 1947 में, उस वक्त जाति थी, सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ा, देश को आजाद कराया। 1977 का आप देख लीजिए, बिहार में जेपी आंदोलन देख लीजिए, इसी बिहार को इंदिरा गांधी को हटाना था, पूरे बिहार वासियों ने देश आह्वान किया बिहार से जाति व्यवस्था को उठकर। देखिए, समीकरण नहीं, सब दलों का हर जाति धर्म की पार्टी है, ये समीकरण की बात नहीं करते हैं। आरजेडी लगातार आप लोग पर आरोप लगाती है, जब भी आप लोग संगठन की जारी करते हैं उसमें आरजेडी के ऐसे नेताओं का नाम डाल दिया जाता है जो कि आपके जनसभा से जुड़े हुए हैं, किस तरह का आरजेडी लगातार आरजेडी का काम है? देखिए, जो जनाधार जी का घसकता है वो आरोप लगाती है, हमारा काम ये नहीं। हमारा काम ये जनता को जोड़ना है, व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करने के लिए, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको आना होगा, उनको हम समझा रहे हैं, प्रशांत जी के विचारों को अवगत करा रहे हैं, घर घर मिल के समझा रहे हैं, और निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होगा। राजद के लोग जो प्रशांत जी से जाके मिलते हैं, कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, वैसे लोग आरजेडी जारी करते हैं। बाद में भले लोग कहते हैं कि हम नहीं है, चाहे कोई बात ही अलग बात है, वैसे नहीं करते।